इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आया हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो एकदम एंड तक बनी रहे और मेरा चैनल भी जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाए। अभी तो मेरा वॉच टाइम का जरूरत है, आप लोग के हाथ में है मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज का। तो गाइस मेरा आवाज अभी कैसे आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बोलते हो मेरा आवाज एकदम सोता है, इसलिए मैंने ये खरीदा है माइक। आवाज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरूर कमेंट में बताना। ये मैंने उधर किया है 239 फ्लिपकार्ट में उधर किया है। वो कल मैं दिमागरी गया था ये लाने के लिए, ब्लॉग बनाने वाला था, ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ब्लॉग बनाऊंगा तो बोलेगा आप लोग ये बार बार दिमागरी का वीडियो क्यों डाल रहे ऐसा बोलेगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा, तो अभी जाऊंगा मैं खेती में। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो सब लोगों को अच्छा लगेगा, तो ब्लॉग एंड तक बनी रहे। फाइनली दोस्तों मैं खेती में पहुँच गया हूँ और ये रहा हमारा खेती। पहले मैं इधर में देखूँगा खीरा, और मिलेगा तो खाऊँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊँगा। तो बनी रहे मेरा ब्लॉग एकदम। खीरा तो इधर में साग तो है, खीरा का साग, लेकिन खीरा है कि नहीं ये तो खीरे का। वो गाइस देख सकते हो एक मिला है ये, अभी ये मैं खाऊंगा खीरा। ये रहा दोस्तों, अभी मैं ये खाऊंगा। गाइस मैं इसलिए आया हूँ खेती में, बकरी हमारा खेती में आया है कि नहीं आया इसलिए देखने आया हूँ। तो मेरा वीडियो यहाँ तक बने रहे, अभी ये मेरे को एक खीरा मिला है, अभी मैं ये खाऊंगा। गाइस ये खीरा तो धुला लिया है, अभी मैं ये खाने वाला हूँ। तो देखे ही रहे मेरा ब्लॉग, देखिए दोस्तों तो गाइस मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा खेती। वो जो सामने में देख रहे हो मकई का खेती और बीन का खेती, तो मैं अभी जाऊंगा सामने में जो खेती आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैं भी देखने आया हूँ। तो गाइस डेढ़ महीने के बाद मैं आया हूँ इधर में, जब हम लोग धान काटने आया था। ये धान भी देख सकते हो, ये धान काटने आया था हम लोग, वीडियो भी देखा होगा हम लोग जब धान काटने आया था। उस टाइम में मैं खेती में सिर्फ उस टाइम में खेती देखा है और उसके बाद नहीं देखा है क्योंकि आलसी करता है ना आने का, तो इसलिए मैं आज आया हूँ। बैठे बैठे क्या ब्लॉग बनाएगा, इसलिए मैं आया हूँ ब्लॉग बनाने। ये तो मकई का खेत है, ये बीन का खेत है, तो अभी इधर में मैं घुस के देखूँगा। तो गाइस मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कितना जल्दी बड़ा हो गया, देख सकते हो। जब मैं पहले धान काटने आया था उस टाइम में इतना सोता सोता था, वो वीडियो आप लोग शायद देखा होगा उस टाइम में कितना सोता सोता था। अभी देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया, पूरा जंगली जंगल हो गया। और उसका आगे में भी है बड़ा वाला, वो भी सबसे बड़ा वाला वो भी है। अगर इधर में छुपेगा तो देख नहीं पाएगा ना दोस्तों। तो गाइस खेती कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताना। चना साग भी है, देखो गाइस दिकेश दोस्तों चना, ये मैं गुवाहाटी से लेके आया था खरीद के, पूरा फुल पैकेट 1 kg लेके आया था। ये देखो कितना लंबा लंबा हो गया। ये रहा चना, ये सबसे बड़ा मकई का खेती है हमारा। वो सामने में जो देख रहे हैं, और ये रहा मिर्ची का पेड़, देख सकते हो मिर्ची पकड़ने वाला है। ये देखो फूल निकल चुका है, ये रहा मकई भी निकल रहा है, देखो खाने का लायक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हो खाने का लायक हो रहा है। ओके का कहती है घूमने से बहुत मजा आता है। ओ गाइस
देख सकते हो। तो गाइस आप लोग को हमारा खेती कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताना, और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर गांव का नाम भी ज़रूर कमेंट में बताना। जानकारी मिलने से मुझे भी बहुत खुश होगा दिल में। तो गाइस मेरा वीडियो जितना सकते हो एकदम शेयर कर देना। ओ भाई सब इतना मुश्किल है, ये पूरा जंगली जैसा है ना। गाइस मैं अभी जाऊंगा वो जो सामने में जो देख रहे हैं उस पर मैं जाऊंगा, उस पर मैं जाऊंगा। तो मैं उधर में जाऊंगा बेर खाने के लिए। बेर यानी कि इंग्लिश में जुजुब बोलता है ना दोस्तों, आप लोग शायद जानता होगा वो बेर को। मतलब हम लोग तो सकमा में बुरोई बोलता है और हिंदी में तो बेर बोलता है और इंग्लिश में तो जुजुब बोलता है ना। तो अभी मैं वो खाने जाऊँगा, इधर में तो बहुत पका हुआ है वो पेर में। तो चलिए दोस्तों बनी रहे मेरा ब्लॉक। उस पर जाने के लिए मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, पूरा पानी है ना इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ। तो ये रहा एक पानी का पाइप है, तो यहीं से जाऊँगा मैं। तो देखते रहिए मैं बिना पकड़ के जाऊँगा, ये इधर में बिना पकड़ के जाऊँगा मैं। तो गैस जा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा देखते रहिए, बहुत डर लग रहा है। ओ गैस, पानी ले दोस्तों पार हो चुका हूँ। तो अभी मैं खाने जाऊँगा बेर यानी कि जुजुब। तो गैस आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना बेर आप लोग का गांव में खाने का लायक हो गया कि नहीं हुआ। तो मैं तो इधर में अभी खाऊँगा, खाने आया हूँ। तो ये रहा ऊपर में, तो गैस कैसे तोड़ेगा, बहुत लंबे हैं फिर भी बहुत लंबा है। एकदम छोटा छोटा है ये देखो। बहुत टेस्टी है ये रहा, पानी में बहुत है लेकिन पानी में बहुत है देखो। देखो मछली आया है देखो। ये देख सकते हो दान भी लगाया है इधर में, और इधर में इमली है, इमली बहुत टेस्टी है ये इमली। देखो लकड़ी कैसे इस तरह से रखा है सूखने के लिए। तो गाइस इधर में देख सकते हो आदमी जलाया है इधर में, थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रहा इधर में आदमी जलाया है, दादाजी होता है मेरा ये, इधर में जो आदमी जलाया है ये दादाजी होता है मेरा। इधर में भी एक जलाया है, वो भी बुद्धा हो गया, वो भी लड़की है ये। इधर में जलाया है ये, अभी भी निशान है इधर में जलाया है सामने में। तो वो जंगल थोड़ा दिख रहा है, खिला का पेड़ दिख रहा है, उधर में भी एक छोटा बच्चा जलाया है। तो गैस मैं अभी खाऊँगा इमली, अभी इमली खाऊंगा मैं। ये देख सकते हो इमली, अभी मैं ऊपर में चढ़ जाऊंगा, इमली का पेड़ में चढ़ जाऊंगा, नहीं तो कौन लाके देगा मुझे। तो बनिए रहे गाइस मेरा रियो डिफरेंट ब्लॉक में बनिए रहे। तो गाइस अभी एक हाथ से मैं कैसे चढ़ जाऊंगा, ओ गाइस मोबाइल
एक हाथ से पकड़ा और फिर एक हाथ से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे ऊपर पहुँच गया हूँ। ये सामने में जो दिखा है, ऐसे करने से ना ये थोड़ा काला काला होगा तो समझो ये खाने का लायक है। देख सकते हो ये तो खाने का लायक, ये अभी कच्चा है, ये खाने का लायक हो गया। मैं अभी टेस्ट करके देखूंगा ये। ओह देखो अभी खाने का लायक हो गया ये। अभी ये छीलना पड़ेगा, छीलने के बाद मुँह से छीलना पड़ेगा क्योंकि कैमरा में नहीं है। एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ लूँगा और एक हाथ से छीलूँगा। ये रहा इमली। देखिए दोस्तों नीचे गिर जाऊंगा तो समझो मैं खत्म हो गया, किसी को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं अकेला आया हूँ। ओ गैस ये तो पूरा पका हुआ है, देखो ये देखो पूरा काला काला आ रहा है ये भी। ओ गैस मैं अभी नीचे में जा रहा हूँ, वीडियो तो बंद करना पड़ेगा नहीं तो मैं नीचे में गिरने का चांस है, पकड़ नहीं सकूँगा एक हाथ से, इसलिए मैं अभी बंद करके रखूँगा वीडियो। तो मैं नीचे पहुँचने वाला हूँ, देख सकते हो ये रहा नीचे। तो अभी मैं नीचे जाऊँगा। ओ भाई साहब ओ गैस फाइनली पहुंच गया नीचे। अभी मैं खाऊंगा इमली, पसीना निकल रहा है देखो। अभी इधर मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। ये रहा इमली, सिर्फ दो लेके आया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाने से ना पेट खराब होता है इसलिए ज़्यादा नहीं खाने आया, तो इसलिए दो लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों आप लोगों का मुंह से तो पानी आ रहा होगा। मुंह से पानी आ रहा होगा ना दोस्तों। आई होप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरा ब्लॉग यहीं पर रखना होगा। आई होप मेरा वीडियो सब लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना और मेरा ब्लॉग यहीं पर रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।